अब मेल्स भी आते होंगे आपके पास, ठीक है, फीमेल्स भी आती होंगी, हर तरह के लोग आपके पास आते होंगे, सो उन लोगों को कैसे मैनेज करती हैं? मेरे लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कॉल सेंटर में भी वहाँ पे भी मेल्स होते हैं आपके साथ, जिनके साथ आपको 8 से 10 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है। हो गया, तो फैमिली ने इशू तो नहीं किया, या आपके हस्बैंड पे आपके जो है घर वालों ने, इनके ससुराल वालों ने किया होगा भाई मेरी बेटी से क्या काम करवा रहे हो, ऐसा कुछ किया नहीं? पॉइंट्स के साथ मैं हूं आपके स्पाई कर, कैसे आप लोग खेल, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खेलिए होंगे। सो आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, और आई थिंक ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जो मैंने आज देखी है और मुझे पता चला है। खैर, मैं इस वक्त मौजूद हूं मून मार्केट गुलशन रामी में, जहां पे एक चीज़ एक जगह देख के मैं बहुत हैरान रह गई। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे बैक साइड पे देखें तो एक फूड स्टॉल है जिसके पास मैं मौजूद हूं, और यहां पे जो कुकिंग करती हैं वो एक लेडी हैं जो बर्गर्स बना के देती हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं, फीमेल तो कोई भी नहीं होती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने आज देखा जो फीमेल हैं वो बाहर निकली हैं, और बहुत ही इनका अच्छा सेटअप है, बहुत ही अच्छी फूड्स हैं, और सबसे मज़े की बात वो ये है कि यहाँ पर जो फूड जो यहाँ पर दी जाती है वो उनके नाम भी डिफरेंट हैं, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर, मेरे साथ वो लेडी मौजूद हैं जो यहाँ पे जिनका ये स्टॉल है, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो खुद बाहर निकली हैं, बिकॉज़ बहुत कम ऐसा देखते हैं हम लोग। सो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नादरा। नादरा, अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी भी, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वैसे लड़कियां हर जगह होती हैं, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले तो मुझे ये बताएं कब से कर रही हैं आप? इट्स अबाउट 3 months। कुछ डिफरेंट नहीं है, मैंने ऑफिस में भी जॉब की हुई है, कॉल सेंटर में जॉब की हुई है, और एक UPS ACS की कंपनी है वहाँ पे भी जॉब की हुई है। इट्स नॉट अ डिफरेंट लेवल। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को टैकल करना ज़्यादा ईजी है, यहाँ के लोगों की मैंटेलिटी को। एक फूड कार्ट, अच्छा एक चीज़ होती है कि ऑफिस में कर रही हैं आप, किसी के अंडर काम कर रही हैं, लेकिन ये आप देख सकती हैं फूड स्टॉल है और ये रोड पर है। अब मेल्स भी आते होंगे आपके पास, ठीक है, फीमेल्स भी आती होंगी, हर तरह के लोग आपके पास आते होंगे, सो उन लोगों को कैसे मैनेज करती हैं? मेरे लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कॉल सेंटर में भी वहाँ पे भी मेल्स होते हैं आपके साथ, जिनके साथ आपको 8 से 10 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी वैसा ही है। लेकिन एक बात है कि मैं जब से भी काम कर रही हूँ यहाँ पर इस स्टॉल पर, मुझे आज तक वैसी नज़र नहीं मिली है कि जो मुझे नेगेटिविटी दे या मुझे वो पछेमानी होती कि मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया है, या मेरे काम पे आज तक भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि वो सारा माहौल आपने खुद क्रिएट करना होता है बाहर। एक चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगी है, उन्होंने ये कहा कि मैं ऑफिस में भी कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल है क्यों फ़र्क किया जाता है, ऑफिस में भी लड़कियाँ काम करती हैं मर्दों के साथ और यहाँ पर भी वो काम कर रही हैं, तो क्यों ये फ़र्क किया जा रहा है? और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया होगा यार औरत क्यों है, इवन कि इनके हस्बैंड भी इनके साथ काम करते हैं और ये ईजीली मैनेज कर रही हैं, ये बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ लोग, ओबियसली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कुछ लोग सवाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे इन्होंने ये बात की कि ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। खैर, आपसे ये जानते हैं कि किस तरह से आपको ये आइडिया आया, किसने आपको मशवरा दिया? मेरे हस्बैंड ने ही दिया था, उन्होंने कहा था फूड पांडा पे काम कर लेते हैं, थोड़ी सी इनकम अच्छी हो जाएगी। हम फूड पांडा पे जनवरी से कर रहे थे काम, जनवरी 2022 से, तो हमें काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिला था हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से, हमारी एक सॉस की वजह से, तो दैट्स वाई हमने सोचा अगर पॉजिटिव इतना रिस्पॉन्स पांडा पर ऑनलाइन मिल रहा है तो हम क्यों ना इसको लाइव लेके जाएँ। तो दूसरा हमारे फिर कुछ क्राइसिस काम की वजह से चल रहे थे, इनके काम की वजह से, फिर हमने कहा कि हम मिलके ये वाले काम को ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, जिस पे हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये फैमिली इश्यूज भी कुछ चल जाते हैं, ओबियसली आप फैमिली वाली हैं, हस्बैंड से आपके बच्चे हैं आपके? हाँ जी, मेरा एक बेटा है 8 साल का। हो गया, तो फैमिली ने इशू तो नहीं किया, या आपके हस्बैंड पे आपके जो है घर वालों ने, इनके ससुराल वालों ने किया होगा भाई मेरी बेटी से क्या काम करवा रहे हो, ऐसा कुछ किया नहीं? नहीं, ऐसा तो किसी ने भी इशू नहीं किया, फैमिली में तो किसी ने भी नहीं किया, बिकॉज सारे जानते हैं कि हम अपने काम को लेके थोड़ा सा पैशन में थे और थोड़ा सा सर्वाइव भी कर रहे थे, बजाय इसके सारे रोकते ही हमें सब ने सपोर्ट ही किया है, फैमिली में सब ने सपोर्ट किया है हमें। ठीक हो गया, मतलब बहुत सारे मर्द जो होते हैं, मर्दों को इजाज़त नहीं होती मतलब उनके ससुराल वालों की तरफ से कि भाई हमारी बेटी से जॉब करवाएं, तो आपकी फैमिली की तरफ से ऐसा कोई सीन नहीं था? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक हो गया, तो आप जो खवातीन घर पे हैं और काम करना चाहती हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? मैं तो इवन उनसे कहना चाहूँगी वो करें, लाजमी करें, बजाय इसके कि वो डिपेंड करके बैठी रहे हमारी हेल्प करने के लिए, कोई आए कोई हमें सपोर्ट करें, जैसे कि जिनके हस्बैंड्स नहीं रहते या फिर मफलूज हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो फिर बैठी रहती हैं जी हमारे कोई हेल्प करने के लिए आए, कोई इमदाद करे, बजाय इसके वो थोड़ा बहुत अपना कोई ना कोई सर्कल चलाएं।
अपनी मेहनत करें। एक और सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि आप दोनों मिलके काम करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो काम किसका किस तरीके से बांटते हैं, काम आप क्या काम करती हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरा एक्चुअली ज़्यादा जो काम है, मुझे स्टॉल पे जो ज़्यादा काम करना पड़ता है वो कुकिंग का मेरा काम है। मेन जो काम है कुकिंग का है, मैरिनेशन का है, सारी चीज़ों को मतलब इकट्ठा मैनेज करना है। इनका जो काम है वो ज़्यादा परचेसिंग है, बाहर का मार्केट की सारी परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, डेली बेस पे ऑलमोस्ट हमारी परचेजिंग होती है, वो हमारी ये करते हैं, मंडी जाना हो या कहीं भी किसी वेंडर के पास, वो ये हैंडल करते हैं। तो आपका आगे क्या प्लान है? ऑब्वियसली आपका जो मैंने स्टॉल देखा है बहुत अच्छा स्टॉल है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया गया है, फूड भी बहुत अच्छी है, कोई लोकल टाइप नहीं है। तो इनके हस्बैंड से भी बात करेंगे, लेकिन एक और मेरे माइंड में एक सवाल है कि इस रेस्टोरेंट इसको जो है स्टॉल को रेस्टोरेंट में चेंज करना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। जितना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हमें लाइफ पे आ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले कुछ मंथ्स में हम इस तरफ जाएंगे, लाजमी जाएंगे। जैसे ही हमारे कोई अच्छे मतलब सबब बनते हैं, इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। थैंक यू। सो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नादरा के हस्बैंड, और बहुत बड़ी बात है, मैं कहती हूँ उनकी दाद देनी पड़ेगी कि अपनी वाइफ को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और जो है वो साथ मिलके काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी वाइफ को इजाज़त दी है या उन्होंने खुद कहा था? जी, इन्होंने खुद ही स्टार्ट किया था घर पर, तो उसके बाद हमने इसको लाइव करना चाहा था, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा अगर तुमने करना है तो इसको लाइव पे करके देख लो, उससे बेहतर रिस्पांस आएगा, क्योंकि हमारा जो पांडा पे था उस पर बहुत अच्छा एक रिस्पांस आ रहा था कस्टमर की वजह से, और हमें कस्टमर की वजह से भी काफ़ी लोगों की तरफ से कहा गया था जी कि आप इसको लाइव पर लेके आएँ, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे रेस्टोरेंट से बहुत डिफरेंट हैं, और ये जब आप लाइव पर आएँगे या किसी स्टॉल पर या रेस्टोरेंट पर आएँगे तो आपका ये सबसे ज़्यादा ब्रांड चलेगा। सो उसके बाद फिर हमने इसको स्टॉल पे लाके स्टार्ट करना शुरू किया। अब मुझे ये बताएं कि कोई मुश्किल पेश आई हो, ओबियसली वाइफ हैं, औरत हैं, और फिर वो भी एक आउटडोर काम करना, तो कोई मुश्किल आई? आउटडोर डिफ़िकल्टीज़ तो काफ़ी हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, उसमें देखें हमारे यहाँ पे जो एक मेंटेलिटी लेवल है वो बहुत लो है, ठीक है, हमारी पाकिस्तानी पब्लिक का, ठीक है। एज़ अ मैन अगर मैं भी सोचूँ तो मैंने भी बाहर बहुत जगह पर मोस्टली लेडीज़ को देखा हुआ है काम करते हुए, ठीक है, तो मुझे पता है कि मर्द क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, लेकिन मैं इसलिए साथ होता हूँ, ठीक है, कि अगर किसी को कोई इशू होगा तो मैं फेस कर सकता हूँ उसको, ठीक है। बाकी लेडीज़ को काम करना चाहिए, ठीक है, देखें आप हलाल रिज़्क़ के लिए घर से निकल रही हैं, जब लेडीज़ काम करेंगी हमारा मुल्क ऑलरेडी अगर तरक्की कर रहा होगा तो वो दिन दुगनी रात चुगनी वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है, तो हमें लेडीज़ को चांस देना चाहिए, ठीक है, कि वो घर पे बैठ के सिर्फ अपना अगर उनके पास कोई टैलेंट है, उन्होंने अपनी स्टडी की है, तो वो उसको वेस्ट ना करें। एक और सवाल मेरा यहाँ पे है कि आप पे किसी ने कोई तनकीद की हो, कोई बात की हो कि भाई कैसा है ये वो, बहुत हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, बात कर देते हैं। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही बात डिस्कस की है कि जी मैंटेलिटी लेवल मुझे पता है कि बहुत लो है, ठीक है, जिसने भी की है मैंने उसको ये चीज़ बताई है कि हमें लेडीज़ को चांस देना चाहिए, ठीक है। कोई इशू फैमिली में कभी कोई इशू हुआ? मेरी फैमिली में नहीं, अभी फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं हुई। फैमिली जो आपको कोऑपरेटिव है और आपको सपोर्ट कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर सपोर्टिव। थैंक यू सो मच। खैर, बहुत अच्छा लगा, और उनकी एक बात जो मेरे माइंड में है कि भाई ऑफिस में भी तो हम लोग काम करते हैं, जब ऑफिस में काम करें मर्दों के साथ तो बाहर काम करने में क्या मसला है, लाइक कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माहौल का फ़र्क है, एक जगह का फ़र्क है, डेट्स इट। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, और ये एक मैसेज भी था बहुत सारी औरतों के लिए, बहुत सारे मर्दों के लिए जो कहते हैं भाई हम गैरतमंद हैं, हम अपनी बीवी को बाहर काम नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं होता, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और दोनों को मिलकर ही जो है अपना घर चलाना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो व्यूअर्स, ये आप खाना देख सकते हैं, ये आ चुके हैं मेरा, और ये सैंडविच है यहाँ पे, और इसको पेनिनी सैंडविच कहते हैं। सेकंड जो आप देख सकते हैं शवारमा है, और इसका नाम टोर्टिला जो शवारमा है, टोर्टिला शवारमा, लाइक यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको एक अलग ही डिश देखने को मिलती है, और आई थिंक इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं अभी इसको टेस्ट करती हूँ, और बल्कि अभी मैंने टेस्ट किया है, थोड़ी देर पहले टेस्ट किया, बहुत यम्मी है, अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं टेस्ट नहीं कर रही, लेकिन आप यहाँ पर आएँ और इसको ज़रूर ट्राई करें आके। और जो इसका नाम है वो सैंडविच प्लानेट इसका नेम है, मून मार्केट गुलशन रावी में आपको ये स्टॉल मिल जाएगा, यहाँ आइएगा और फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें और चैनल सब्सक्राइब और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।